Hi everyone, good morning. कल के क्लास में बहुत मजा आया सबों को ना? चलिए, एक ने पूछा पार्टिकल के बारे में, क्या पूछा था? यस, लैंग्वेज के पहले आर्टिकल लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, तो आप ये क्रॉस कर दो, नहीं लगाते हैं। हिंदी इंग्लिश यहां आर्टिकल यूज द, ठीक है। हमने फर्स्ट क्या लिखा कि लैंग्वेज, भाषा के पहले हम लोग आर्टिकल को यूज नहीं करते हैं, बट हमने यहां हिंदी के पहले आर्टिकल को यूज किया, इंग्लिश के पहले आर्टिकल को यूज किया, तो ये दोनों हमारे गलत है। अगर इनकी जगह, इनकी जगह ये ये चीज आपने बोल दिया या किन्हीं को लिख दिया तो ये चलेंगे। देख लिया, ये चलेंगे, ठीक है। बट सबने उतार लिया होगा, दूसरी चीज से पुराने नहीं नए वाले के साथ ये प्रॉब्लम है। दूसरी क्या थी ये? यस, ओ के पहले आर्टिकल हम लोग एन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं साउंड भी दिखाया था ना, जो हमारे, जो आप लोगों के बीच हमारे जो पुराने हैं उनसे आप पूछिए, राय विचार कीजिए, ठीक है, वो बता देंगे आपको। हमारे पुराने जितने भी हैं बहुत आज के समय में बहुत फास्ट हैं, उनको कुछ कुछ चीजें हैं जो वो चाहते हैं मैं दे दूंगा, बट अभी नहीं, ठीक है। या गौर से देखोगे, अगर आप आर्टिकल ए और एन को यूज करना चाहते हो तो अभी समझ में ये आना चाहिए। ये साउंड हिंदी के स्वर आपको आने चाहिए बोलने में। आपने क्या लिखा था? वन ओ एन ई, वन के पहले आर्टिकल क्या लगेंगे?
ये जानना था ना। बोलो ये क्या चीज है? वन, ये बोलेंगे ना, ये बोलेंगे या आन बोलेंगे? ये बोलते हैं, ये नहीं। अब देखो, शायद आपके सेंटेंस भी यही होंगे या ना हो, कोई बात नहीं है। ही गेव मी एन वन रूपी, है ना। आपने यहाँ ये वन के पहले आर्टिकल को यहाँ यूज किया, ये इसकी जगह आप लिखो ही गेव मी अ वन रूपी। ये चीज हमारे गलत हो जाएंगे, ये हमारे सही है। क्यों? क्योंकि जब ओ की साउंड अगर वो आ जाए तो हम लोग ए लगाते हैं, और जो अभी दिखाया ना, अ ई, जो हमारे स्वर वर्ण हैं उनके पहले आप एन लगाओ, ये चलेंगे, और जो व्यंजन आते हैं उनमें ये ए लगाओ। स्वर और व्यंजन ये कुछ ही दिन आप लोग जानेंगे समझेंगे, बस। इसीलिए मैं अभी कहता हूं ना, जैसे कि आप लोग अभी सिर्फ लिखो, आप मीन्स न्यू में एक दो पर्सन ये पूछे हैं कि लिखूं कब तक लिखूं, है ना। तो कम से कम साल भर लिखना है आपको, अगर गहराई से लेना चाहते हो तो साल भर, है ना। आपके साथ भी और जो है उनसे पूछो, वो मेरे पास कितने दिनों से बैठे हुए। मेरे पास जो बैठते हैं, आप भी हो, वो भी है, दूसरे भी हैं, उनसे पूछोगे कि मेरे पास कितने दिनों से बैठ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक अनपॉसिबल है। शो प्रैक्टिकल इज मस्ट, है ना। विदाउट प्रैक्टिस के हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक। चलिए, अभी कुछ दिनों के बाद मैं स्टार्ट से दोबारा बताऊंगा, फिर आप लोग देखोगे, अच्छी तरह समझोगे। क्या थे? एक ने कहा था कि पूरे पूरे प्रेजेंट के हमें साउंड और स्ट्रक्चर को लिख दीजिए। प्रेजेंट फर्स्ट में आओ, ये साउंड है, ठीक है। ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ये सब रहे तो आप बनाओगे, सब्जेक्ट लिखोगे प्लस वर्ब लिखोगे, और प्लस इस वर्ब में
एस ऑब्लिक ई एस को लिख दोगे एंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फर्स्ट के, ठीक है? ये तो डाउट नहीं होगा क्योंकि हमने दिखाया यहां सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब और मेन वर्ब में प्लस कर दिया एस ई एस, तो आप सारे सब्जेक्ट के साथ एस ई एस मत कर देना, सिर्फ एस ई एस को यूज करोगे जब हमारे सब्जेक्ट होंगे ही सी इट या सिंगल नाम। एक नाम लिख देता हूं मैं यार, जैसे लिख दो राम, ठीक है? तो इनके साथ जब वर्ब आए तब ही आप एस ऑब्लिक ई एस को यूज कर दोगे। लास्ट में जब ओ आए ना तो ई एस कर देना, या आपको एस और ई एस जहां लगाना हो, जिस वर्ब के साथ लगाना हो आप लगाओ। अभी स्टार्ट में कुछ गलत होंगे कुछ सही होंगे, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं, तो आप करो। फर्स्ट एंड सेकंड सब्जेक्ट प्लस यहाँ एच भी एंड वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड बस, ठीक है? एंड थर्ड सिर्फ चुका है चुकी है चुके हैं ये नहीं आते हैं, आ है या है ई है ये भी साउंड आ सकते हैं, ठीक है? या आते हैं, हैज लिखो या हैव लिखो एंड प्लस वर्ब लिखो, वर्ब की पोजीशन को थर्ड कर दो, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अभी जो भी चलेंगे सिंपल में चलेंगे, मैं दिखा देता हूं। ये उतार लिए तीन, ये साउंड है, ये स्ट्रक्चर है। अब लास्ट देखो फोर्थ नंबर। अभी आप लोग ये मत समझो कि ये सिंपल प्रेजेंट और ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट है ना, इम्परफेक्ट या कॉन्टिन्यूस। अभी मैं नाम नहीं लिखा, अभी सिर्फ आप साउंड पर चलो,
क्योंकि हम सारे लोग अब हिंदी भाषी हैं, हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में ज्यादा समझेंगे, है ना। इसीलिए एंड फोर्थ नंबर, साउंड है रहा है रही है रहे हैं, इनमें प्लस समय होंगे। प्लस समय होते हैं, हमारे सेकंड में समय नहीं थे, ठीक है। स्ट्रक्चर लो, सब्जेक्ट को लिखोगे प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। किताब में पाओ, मैं पढ़ता हूं, तुम पढ़ाते हो। यहां देखो, यहां ता हूं आ गए, यहां ते हो आ गए, तो फर्स्ट में क्या करना है, आई रेड। फर्स्ट में देखोगे हमारा आई के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हमने लिखा नहीं तो आप भी नहीं लिखोगे। आई रीड, तुम पढ़ाते हो, यू टीच, ठीक है। अब इसमें सेकंड में आ जाओ, आई एम रीडिंग एंड यू आर टीचिंग, है ना। आ गए तुम गए हो, तुम गए हो या नहीं, चलो ठीक है, तुम गए हो तुम जा चुके हो, आ गए। यहां ये हो, यहां चुके हो, ये दोनों में क्या करना है, यू हैव, क्या करेंगे, वर्ब की पोजीशन थर्ड लगती है, यू हैव गॉन, यू हैव गॉन दोनों के लिए, ठीक है, यू हैव गॉन। अब इसी में फोर्थ नंबर में कि तुम 2 महीने से पढ़ रहे हो, है ना, तुम 2 महीने से, तो यू हैव बीन रीडिंग फॉर
मंथ, टू मंथ, ठीक है। याद करोगे कि फर्स्ट में मैं टिक लगाया था, जिसने पूछा है उनके लिए बताता हूं मैं, ठीक है। यहां भी ती है, पालिया है ना, तो ये वर्ब क्यों नहीं है? अब इस बात में बात किनकी हो रही है? ये सफेद की, और सफेद क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है, मींस गुण है। गुण के बारे में बता रहे हैं, गुण के बारे में बता रहे हैं। ये अस्पष्ट होता है कि ये चीज स्थिर है ना। तो ऐसे चीजों में करो आप मिल्क इज वाइट, ठीक है, बस। और अगर आप यूज करना चाहो आप लोग, अगर आप लोग यूज करना चाहो अगर आप लोग यूज करना चाहो तो यहां पर आर्टिकल को लगा सकते हो। जो अगर लगाओगे तो द लगाओगे, ठीक है। याद ये रखना है कि निश्चित में हम लोग, निश्चित चीजों में हम लोग द को यूज करते हैं, और अनिश्चित चीजों में हम लोग ए और एन को यूज करते हैं, आर्टिकल दो, ठीक है। यहां पर मैं देखा कि मिल्क है तो कोई निश्चित चीज है, इसलिए मैं यहां द यूज कर दिया, ठीक हो गई आपकी चीज, क्लियर। बाय, सारे लोग प्रैक्टिस करो, जो नए हैं उनको थोड़ा भी अजीब लगेगा, कुछ दिन और लगेंगे, क्योंकि आपको भी मैं लाऊंगा रास्ते में, अभी आप अनबैलेंस चल रहे हो। चलो जिस तरह चल रहे हो चलो, ठीक, अच्छी बात है, ओके बाय।